गढ़ी की दर्शन होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अयोध्या धाम। क्या था अभी, कैसा लगा दर्शन, कैसे किया? मुझे दर्शन बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, लेकिन उसमें कुछ लाइन की बराबर व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, बहुत धक्का खाना पड़ रहा है। अरे वाह। और लास्ट में भी अंदर गए तो बराबर दर्शन नहीं हुए। अच्छा, नहीं अच्छा था, लेकिन उन लोग को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए लाइन में। अच्छा। अभी देखते हैं अयोध्या में गए राम मंदिर में कैसा होता है। धन्यवाद। अच्छा। चलिए फिर मिलते हैं अयोध्या के। अभी मैं राम मंदिर के परिसर में हूँ और शायद यहाँ पे फोन अलाउड नहीं होगा, तो जहाँ तक पॉसिबल है मैं वहाँ तक मैं आपको दिखा सकता हूँ। प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या में और प्रभु श्री राम जी के मंदिर, ये पावन मंदिर जहाँ पे हमें आज जीवन में पहली बार पदार्पण करने का या उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। कैसा लग रहा सर? देखिए, ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और मैं तो समझता हूँ सौभाग्य है। हम इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज यह अयोध्या के पावन नगरी में प्रभु श्री राम का साक्षात दर्शन करने, 500 साल का जो वनवास था हिंदुओं का, वो वनवास अब खत्म हो चुका है और हम रामलला के दर्शन का, बाल स्वरूप रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। चलिए, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि रामलला का दर्शन और ये हमारी जिंदगी का मतलब 500 सालों के बाद हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया था हमारे रामलला के लिए, 500 साल का जो बलिदान था, आज आके वो पूरा हुआ। हमारा सपना आने का हम लोगों को मौका मिला है, हम दर्शन करने के लिए इधर आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जी, हर व्यवस्था ठीक ठाक है, इसके वास्ते हम तहे दिल से बोलते जय श्री राम। जय श्री राम। बस अभी देखिए कहाँ तक फोन अलाउड है, देखो बस वहाँ तक हम लेके चल रहे हैं। वो जो देख रहे ना, वो जो है ना, पहले ही लॉकर है, अब ये लॉकर में हमारा फोन जमा हो जाएगा और अभी अयोध्या धाम के लिए हम लोग जाने वाले हैं और अभी लॉकर में हमारा सामान जमा करने वाले हैं और भगवान की हमको उनको देखने की बहुत इच्छा हो रही है। वो इच्छा हमारे सामान होने का समय आ गया है। हम जो 5 साल से जो हम उनके लिए इच्छा रखे थे वो हमारा पूरी होने की इच्छा हो गई, इसलिए मुझे भक्ति में आ गए। हमको बहुत तेज बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। क्या सही सही है भाई? अर्जुन महाराज का है, ये भेज दिया अर्जुन महाराज को। इधर लाइन में जाओ। अरे अरे, चाबी का, चाबी 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 का भेज दिया, लोगों का भेज दिया। अर्जुन फोन मारे ना, फिर अभी समझते हैं कोई रब क्या कुछ जब मिस्टेक, इसीलिए इसमें अब ये यहाँ हमारा लॉकर में सामान जमा हो जाएगा, अब उसके बाद तो हम वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे। ये इलाज है, इलाज दर्शन के पहले का अंतिम वीडियो रहेगा। हाँ। इसके बाद दर्शन के बाद फिर मिलते हैं। रुकना, मैं देखता हूँ। यही रुकना। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओ नंदर भाई, ओ नंद जी, कितने बजे रखे हो यार? दर्शन के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, बड़ा अलौकिक दृश्य था और
इतना मन प्रफुल्लित हो गया उनका दर्शन करके। और अभी हम दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा बाहर का, ये सूर्य की रोशनी आप देख सकते हैं, सूर्य की रोशनी पीछे, लता मंगेशकर चौक। मन प्रफुल्लित हो गया। ये मेरे पीछे जो आप जो टेंट देख रहे हैं, ये हर एक राज्य का ऐसे ही टेंट बना हुआ है। यहाँ पे उनके रहने खाने पीने का व्यवस्था है। यहाँ पे 24 घंटे खाना पीना चाय नाश्ता सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी तक ऐसे ही बड़े बड़े टेंट लगाए गए हैं। काफ़ी अच्छी सुविधा, रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट बस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से अयोध्या धाम जाने के लिए बस सेवा जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ के शासन और प्रशासन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कर कमलों द्वारा ये सब चीज संभव हुआ है। माझ्या फोनवरून काढायला पाहतो विडिओ, तू लक्ष देत नाही द्यायचा। ओ दादी, ओ ओ छोटू, Yeah.
अयोध्या धाम का जो दर्शन का कार्यक्रम था आज समापन हुआ। आज हम लोग जो है वापस मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ रहे हैं और बड़ा अच्छा सहयोग रहा, बहुत अच्छा आज दर्शन मिला, अच्छे दर्शन मिले। अयोध्या में आए, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ और बहुत ही विकास का काम दिख रहा है इस अयोध्या में। योगी जी को साधुवाद देना चाहिए। सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों का धन्यवाद और हमारा सौभाग्य है कि हम साथ में दर्शन किए। हमारे वार्ड अध्यक्ष जितेंद्र जी झा जिन्होंने प्रयास करके इकट्ठा लाने काम किए सभी टीम को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, राहुल नारकर जी लोढ़ा साहब जिन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था करके दिए मोदी जी के मार्फत, और जो अयोध्या में काम दिख रहे हैं एक्सलेंट काम है। मोदी जी योगी जी का जो काम है एकदम सराहनीय है और इतने सारे लाखों में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसी के साथ कहना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम का कृपा हमारे सभी पे बना रहे, धन्यवाद। देखिए अयोध्या भगवान प्रभु श्री राम का जो दर्शन का लालसा था वो लालसा आज पूर्ण हुआ और उसके साथ जिंदगी सफल हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि लोग कहते थे कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास बहुत ही विकसित है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें अयोध्या कहीं भी पीछे नहीं। अयोध्या का एक एक रोड आस्था हर्षित हुआ। अगर अच्छा हो तो कोई देश के कोई ट्रेन जा रही है। एक एग्जांपल सेट किया अयोध्या की साफ सफाई, अयोध्या की व्यवस्था, अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन, ये एक एग्जांपल हो सकता है हमारे देश के लिए कि एक प्रेरणा ने। मैं बहुत बहुत उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर अयोध्या को बनाया और हम भक्तों के लिए उसका मार्ग प्रशस्त किया। सारे 500 साल के गुलामी का जंजीर को तोड़ने का अगर कोई काम किया तो मोदी योगी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लगभग 500 सालों से जो प्रतीक्षा थी सभी सनातनियों का और जो दर्शन करने की जो लालसा थी
अगर देखा जाए तो हमारे जो पूर्वजों ने जो उनके समय में नहीं हुआ वो हमारे समय में हो रहा है, और ये हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है और कितना बड़ा हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, और उस उपलब्धि के बारे में हम साहब से थोड़ा सा जानकारी मिलेंगे। डॉक्टर साहब, एक्चुअली इसके बारे में बोलना जितना बोले उतना कम है, मतलब 500 साल के बाद ये हम लोगों की मतलब नसीब है कि हम लोग ये जब अयोध्या भूमि में आए, राम जी के दर्शन किए, वही बड़ी बात है कि मतलब हम लोग का नसीब ही बहुत बढ़िया है ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टोरी इतना सुना था इनके बारे में, मतलब जो अपने कार से वो गए उन लोगों ने अपनी जान दी, लेकिन उनकी वजह से हम लोग ये देख पा रहे, मतलब हम लोग उनके ऋणी हैं, वही बड़ी बात है। तो मैं हर हिंदू भाइयों को कहना चाहूँगा कि सब लोग आइए, जरूर दर्शन लीजिए, बहुत प्रसन्नता मिलेगी आपको। वाकई जो डॉक्टर साहब ने कहा, जो हमारे वार्ड अध्यक्ष जितेंद्र झा जी ने कहा, और उसी बात को दोहराना मेरे लिए, मुझे लगता है कि सारी बातें जो है कवर हो चुकी हैं। एक बात तो मतलब मानना पड़ेगा कि जो बलिदान दिया है लोगों ने, उस बलिदान को हमको याद रखना चाहिए, और आज समय वो आ गया है कि हर एक सनातनियों को अयोध्या में ज़रूर आना चाहिए, प्रभु श्री राम जी का दर्शन जरूर करना चाहिए, और अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में उसकी पूरी जो कहानी है उसको बतानी चाहिए, और उनको प्रेरित करना चाहिए कि अपने धर्म और अपने देश के लिए हमको किस तरह से लड़ना है, किस तरह से क्या करना है, ये हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको हमेशा प्रेरित करना चाहिए उनको। तो इसी बात अभी आज हम लोग की वापसी है, अभी 5 बजे की ट्रेन है, लगभग हम लोग 5:20 में हमारी गाड़ी रवाना हो जाएगी। अभी वो बोलिए सब बोलिए। आप थैंक यू। जो लगभग 5:20 को मैं ट्रेन रवाना हो जाएगी, और हम लोग कल रात को लगभग 12:40 को मुंबई पहुंच जाएंगे। तो बहुत अच्छा दर्शन हुआ प्रभु श्री राम जी का, मन तो जाने का नहीं कर रहा है लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ रहा है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि हम हर बार अपने परिवार सहित यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का दर्शन करें, और हम बाकी लोग से भी अनुरोध करते हैं कि बाकी लोग भी अपने परिवार को। एक हमारे नया जनरेशन बात लिए, हमारा RSS के बहुत बड़े भक्त, तो इनसे भी मैं स्वयं समय का RSS के स्वयं समय का राष्ट्र समय का आप अपना बताइए। आपको नन्हे हैं, आपको कैसा लगा फिल्म अपना प्रकट करके? बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया, और सब राम साहब का वो देखा, एंजॉय किया, मजा आया। माला जाएंगे हर बच्चे को इधर आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह, यहाँ हमें बहुत सारी सीख मिलती है। राम जी ने जिधर रहा था हम भी वही रहे थे। बस बोला जय श्री राम, सब आगे अपने दक्षिण मुंबई जिला से 28 तारीख का अपना आस्था एक स्पेशल ट्रेन निकला है, तो अपने को 28 तारीख के बाद 1 तारीख सुबह 9 बजे अपने को कासरपुर में छोड़ा, उसके बाद यहाँ से अपने को बस से अपना जो पेंडल बनाया था वो पेंडल में अपने को अच्छा तरह से जगह दिया, अच्छा तरह से सुविधा मिला। ये सुविधा ये अपना RSS भाजप इनके तरफ से हो रहा था, वो सब लोगों को खुशी हुई कि ये सुविधा और कोई दे नहीं सकता है। पूरे भारत से जितने अपने भारत में आसाम, बंगाल, भोपाल, कर्नाटक, यूपी, बिहार, प्रदेश, हर जगह से, हर स्टेट से आ रहे थे पब्लिक, लेकिन ये जो भाजपा की जो व्यवस्था की थी वो सब लोग को अच्छी लगी, और इसका मौका उनको और वापिस चाहिए ऐसे सब लोग का कहना है। तो चाहे वो सितंबर के बाद में भी हो सकती है, मौका मिल जाएगा तो हम जरूर आएंगे, हम लोग फिर गुरुद्वारे में आएंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
हर 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 अयोध्या नगरी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा इस ब्लॉक का जो है आखिरी वीडियो है, मतलब मुंबई टू अयोध्या का समापन का इस वीडियो का जो है आज समापन है, मतलब ये हमारा इस ब्लॉक का जो है आखिरी वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। कृपया इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।